कोविड-19 टीकाकरण कराने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बनकर इतिहास रचने वाले ब्रिटेन में एक 81 वर्षीय पेंशन भोगी की किसी दूसरी बीमारी से मृत्यु हो गई। ब्रिटिश मीडिया ने मंगलवार को सूचना दी कि विलियम शेक्सपियर पिछले साल 8 दिसंबर को यूनिवर्सिटी अस्पताल कोवेंट्री और वारकशायर में कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने वाले पहले व्यक्ति बने थे, जिसके बाद पूरी दुनिया में उनकी चर्चा हुई थी। शेक्सपियर को वैक्सीन की खुराक पाने वाली दुनिया की पहली शख्स 91 वर्षीय मार्गरेट किनन के तुरंत बाद उसी अस्पताल में पहली फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन की डोज दी गई थी। शेक्सपियर के एक मित्र कोवेंट्री के काउंसलर जेनी इंस ने कहा कि उनका गुरुवार 20 मई को निधन हो गया था और उन्होंने कहा कि बिल को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि देने के लिए वैक्सीन लगवाएं। कोवेंट्री लाइव की रिपोर्ट के अनुसार बिल का बीमारी के बाद उसी अस्पताल में निधन हो गया जहां उन्होंने अपनी वैक्सीन लगवाई थी। शेक्सपियर ने रोल्स रॉयल में काम किया था और एक पैरिश पार्षद थे। शेक्सपियर ने एलएसले में 3 दशकों से अधिक समय तक अपने स्थानीय समुदाय की सेवा की थी और अपनी पहली खुराक के समय वो अस्पताल के एक वार्ड में भर्ती थे। उन्होंने कहा था कि ये अद्भुत था। बीबीसी ने बताया कि शेक्सपियर अपने पीछे अपनी पत्नी जॉय, अपने 2 वयस्क बेटों और पोते पोतियों को छोड़ गए हैं। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।